विधानसभा चोणां ते लुधियाणा विच होए धमाके तो बाद पूरे पंजाब विच हाई अलर्ट किया होया है, पर इसके बावजूद भी चोरां ते लुटेरियां दे हौसले बुलंद हन अते लुटेरियां वल्लों हथियारां दी नोक ते वड्डियां वारदातां नूं अंजाम दित्ता जा रहा है। गुरदासपुर के पिंड मसाणियां विच चार हथियारबंद लुटेरियां ने दिन दिहाड़े पंजाब एंड सिंध बैंक विच हथियारां दी नोक ते 3.5 लाख रुपए की लुट नूं अंजाम दित्ता अते गार्ड की राइफल लैके मौके तों फरार हो गए। इस संबंधी जानकारी दिंदिया पंजाब एंड सिंध बैंक के गार्ड बलविंदर सिंह ने दस्सिया कि 1 बजे के करीब 2 व्यक्ति बैंक विच दाखल होए ते उन्होंने कहा कि वह पैसे कटवाना चाहते हैं। जदों उन्होंने फार्म दे के बाहर गए तो बाहर खड़े 2 व्यक्तियों ने उसके कोलों गन खो के उसके उपर पिस्तौल तान दी और बैंक विचों 3.5 लाख रुपए लुट के मौके तो फरार हो गए। इस तो अलावा मौके पर पहुंचे SSP मुकविंदर सिंह भुल्लर ने दस्सिया कि इस मामले में CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, मेरा नाम विकास राज है, मैं पंजाब एंड सिंध बैंक बहादुर हुसैन का ब्रांच इंचार्ज। सर, आज करीब करीब 1:45 से 2 बजे के आसपास ब्रांच में लूट हुई है। नियर अबाउट हमारे ब्रांच की 3.5 लाख के आसपास की रॉबरी हुई है। कितने लोग आए थे? 4 बंदे आए थे, गन। कुछ और भी गया? नहीं सर, सिर्फ कैश गई। सर, राइफल नहीं, पिस्टल? गार्ड की राइफल है या पिस्टल? गार्ड की डबल बैरल राइफल है। 50 सर, ये तो एग्जैक्टली ड्राइवर फौजी साहब बता पाएंगे। सर, बलविंदर सिंह। हाँ जी, ये सर मैं गेट के अगे खड़ा गन लगे, 2 बंदे पहले आए आ आ कहते भी पैसे लेने हैं, मैं भी फार्म भरा लो। उन्होंने 2 फार्म भर लग पे आ, तो मैनू थोड़ा जहाँ लगा भी जगू मतलब फार्म भर लग पे तो मैं फिर बाहर निकल लगा तो 2 बंदे पिस्टल लैके बाहर खड़े है, तो उन्होंने आण के मैनू छिरी नहीं मैं जफा मार लिया, तो मैं गन नहीं छड़ता, मेरे नाल घुलते रहे। फिर उन्होंने मेरे पिस्टल ताने सिर ते सिर ते मारी एक सट, तो फिर मैं उन्होंने गन मेरी उन्हें खोली है, तो मैं भी गन दे दो, कहते गन नहीं देनी तेन। फिर बाबा जी, टोटल कितने बंदे? 4 बंदे। सर, कितना कैश लेके? कैश दा नहीं सर मैनू इहदा, पर मैं सानू पता उन्होंने किन्ने राउंड दी गन? मेरे को 12 राउंड। हाँ, गन लैके नाल। सर, ये नहीं पता, बाहर ही आनू, बाहर तो अं तो बैंक जाए सर, जी गल का पता उन्ना साढ़े ना जी वापरी अं दसी तक। सरदार जुम्मा देखिया जी, 4 जने आए आ, तो वो कुड़ी भरन रही मेरी फार्म भरन रही, मैं पेंशन कटवानी है, कहती लिया मैं भर देनी अंकल जी, मैं तो चिट्टा नबाड़ हैगा। तो वो आए 4 जने, कहते भी पैसे कटाने केड़े फार्म, कहती आज वो 2 जने पर भरन लग पे, 2 जने गनमैन को खलो गए, तो मुर्गे हथों पाई हो गए, उसको गन खोली, उसकी पग पुग सारी ला दी, घोले बड़ा ज़्यादा घोले आ, उसकी पेश नहीं गई। 4 जने मैं इस तरह खड़ोता, कहते बह खड़ी कर, फिर मैं इस तरह बाहवा खड़िया कीतियाँ, वो कुड़ी दी भी कर, कुड़ी रोई जाए, मैं बेटे चुप कर, कोई गल नहीं, हथियार सारे का पिस्तौल इस तरह कर रहे, तो पैसे लै इत बैग भी नहीं पथूं, इत जैकटा जी पाई गए दवा दवा, जो गला उन्हें थले सुट दिता कट कट के। गनमैन इतने गेट गाड़ी खलोता है जी, इतने गल पै के 2 जने ये को खलोते ही, 2 जने फार्म भरन लग पे वे चिट्टे जे, तो हाँ जी गन खोली है, गन लै गए, कहते दे जाएंगे उन्हें दिती नहीं गन, तो गन लै गए। अज तकरीबन 155 के करीब 4 जे हथियारबंद लुटेरे इतने आए थे, और पिस्टल पॉइंट के उत्ते जो उन्होंने 3.5 लाख रुपया और एक जो गार्ड है वो राइफल जी है उन्होंने स्नैच करके I-20 कार पर आए थे और सेखवा साइड नू गए ने, जिदे विच साडे सारे अफसर जिहड़े असीं इत्थे मौके ते आए हां, सानू अहम सुराग मिले आ।
ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3.5 ਲੱਖ। ਦਸ ਟੈਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।